जैसे कि ना दोस्तों कैसे हैं आप सब, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम Realme Narzo 20 और poco M2 का कंपैरिजन करेंगे। आपको बताऊंगा दोस्तों आपके लिए कौन सा मोबाइल बेस्ट हो सकता है और साथ ही बताऊंगा दोस्तों मैं किस मोबाइल की तरफ पर्सनली जाना पसंद करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस की। तो Realme Narzo 20 आता है दोस्तों 10,500 रुपए में, वही दोस्तों poco M2 की जो प्राइस है वो है दोस्तों 11,000 रुपए। दोनों में ही दोस्तों 500 रुपए का मात्र अंतर पड़ जाता है। बट यहाँ पर poco में आपको एक बेनिफिट ये देखने को मिलता है कि यदि आप सिर्फ 500 रुपए बढ़ा देते हैं आपको दोस्तों 6 GB की रैम देखने को मिल जाती है। दोनों में दोस्तों पॉलीकार्बोनेट बैक दिया हुआ है, दोनों में 3.5 mm का जैक आता है और दोनों में दोस्तों बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं Xiaomi के मोबाइल्स में अक्सर IR ब्लास्टर आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ poco में भी आपको IR ब्लास्टर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करें यदि हम डिस्प्ले की, तो यहाँ पर दोस्तों Narzo में भी 6.5 inch की डिस्प्ले आती है, इसमें भी 6.5 inch की डिस्प्ले आती है, बट यहाँ पर अंतर आ जाता है दोस्तों बहुत बड़ा। HD+ आपको Xiaomi जो है प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, बट यहाँ पर दोस्तों HD+ आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यदि आप मीडिया वगैरह ज्यादा देखते हैं, मूवीज वगैरह ज्यादा देखते हैं, आपको मीडिया कंज्यूम ज्यादा करना रहता है, तो आई थिंक दोस्तों आपको फुल HD+ डिस्प्ले के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्वालिटी कंटेंट है आप आसानी से बहुत अच्छा देख लेंगे। वही दोस्तों HD+ में आपको एवरेज क्वालिटी जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों में दोस्तों गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी आने वाली है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस इतना है दोस्तों कि आपको poco में आपको साथ में कवर दिया जाएगा, बट यहाँ पर Narzo में आपको कवर नहीं आने वाला है, तो आपको कवर अलग से खरीदना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो है दोस्तों प्रोसेसर। तो प्रोसेसर के मामले में दोस्तों दोनों ही मोबाइलों में अच्छा प्रोसेसर दिया गया है। दोनों मोबाइल में दोस्तों MediaTek का प्रोसेसर है। यहाँ Narzo में आपको देखने को मिलता है थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन G80 का, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको G85 प्रोसेसर। वही दोस्तों यहाँ पर दिया गया है MediaTek G80 प्रोसेसर। रियल लाइफ में दोस्तों दोनों में कुछ खास अंतर नहीं होने वाला है, दोनों की सेम टू सेम परफॉर्मेंस होने वाली है, बट ये जो है थोड़ा सा इससे अपडेटेड है। बट मैंने जैसे कि बताया रियल लाइफ में दोनों की परफॉर्मेंस सेम होने वाली है, तो प्रोसेसर के मामले में दोस्तों दोनों ही मोबाइल अच्छे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर Narzo जो है वो बाजी मार के जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलती है 6000 mAh की बड़ी बैटरी, और इसमें दोस्तों 18W का चार्जर सपोर्ट के साथ साथ आपको 18W का चार्जर इन द बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों यदि हम poco की बात करें, तो इसमें दोस्तों आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, बट इसमें जो है 10W का ही चार्जर इन द बॉक्स आपको मिलता है। 18W का चार्जिंग सपोर्ट इसमें भी है, बट 18W का जो चार्जर है वो आपको अलग से मार्केट से खरीदना पड़ेगा। दोनों में ही दोस्तों USB Type-C का सपोर्ट दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम की दोस्तों बात करें, तो दोनों ही मोबाइल Android 10 पर काम करने वाले हैं। Realme का खुद का है अपना Realme का UI, वही दोस्तों poco का Xiaomi का अपना है MIUI। दोनों में ही दोस्तों आपको हल्के फुल्के एड्स वगैरह जो है देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कैमरे की, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों Narzo जो है काफी हद तक आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है दोस्तों। वही 8 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा। एक और सेंसर है जो इसमें नहीं दिया गया है, ट्रिपल कैमरा जो है इसमें आपको सेटअप देखने को मिल जाता है, बट आई थिंक वो कोई काम का भी नहीं रहता, तो ट्रिपल कैमरा के साथ दोस्तों एक अच्छी डिजाइन भी आपको ये प्रोवाइड करवा देता है। तो 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दोस्तों काफी ज्यादा होता है। वही दोस्तों poco M2 में आपको वही 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है मेन, और वही दोस्तों 8 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। कैमरे के मामले में दोस्तों यहाँ पर Narzo जो है बेटर परफॉर्मेंस देने वाला है बिकॉज ऑफ 48 मेगापिक्सल कैमरा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको ज्यादा डिटेल्स जो है इस मोबाइल में देखने को मिल जाएगी Narzo में। अगर दोस्तों आप फ्रंट कैमरे की बात करें, तो दोनों ही मोबाइल में दोस्तों आपको सेम टू सेम 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो आई थिंक दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के साथ दोनों ही मोबाइल काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन सबके साथ आते हैं। यहाँ पर दोस्तों यदि Narzo जो है वो फुल HD+ डिस्प्ले दे देता है, तो फिर दोस्तों कंपैरिजन की बात ही खत्म हो जाती, क्योंकि यहाँ पर ये मोबाइल डेफिनेटली बेस्ट मोबाइल होने वाला था। बट यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा HD+ और फुल HD+ में कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये दोस्तों आप पर डिपेंड करता है कि आप किस मोबाइल की तरफ जाना चाहते हैं। दोस्तों आपको एक बड़ी बैटरी चाहिए, एक अच्छा प्रोसेसर भी चाहिए, आप गेमिंग वगैरह करते हैं और आप ज्यादा मीडिया वगैरह नहीं देखते हैं, तो दोस्तों आपके लिए हो सकता है Narzo बेस्ट।
वही दोस्तों यदि आप मीडिया ज्यादा कंज्यूम करते हैं, साथ ही साथ एक अच्छा प्रोसेसर भी चाहिए, फुल एचडी प्लस डिस्प्ले चाहिए, तो आप ज्यादा जा सकते हैं दोस्तों पोको की तरफ। खैर दोस्तों ये तो बात हो गई कंपैरिजन की। अब जैसे कि मैंने बताया मैं पर्सनल ओपिनियन देना चाहूंगा कि मैं किस मोबाइल की तरफ जाना चाहूंगा, तो दोस्तों ये जैसे कि मैंने बताया यूजर पर डिपेंड करता है। तो मुझे दोस्तों चाहिए रहता है एक प्रोसेसर, एक अच्छी बैटरी मिल जाए, और बाकी दोस्तों मीडिया वगैरह मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ, तो इसलिए दोस्तों मैं नार्ज़ो की तरफ अभी जाना पसंद करूंगा, क्योंकि आप 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है जो कि मेरी पूरी वीडियो वगैरह शूट करने में भी दोस्तों काफी मदद कर सकता है, तो इसलिए दोस्तों मैं नार्ज़ो की तरफ जाना पसंद करूंगा। तो आई थिंक दोस्तों आप समझ गए होंगे आपके लिए कौन सा मोबाइल बेस्ट रहेगा। यदि आप दोस्तों मीडिया ज्यादा देखते हैं तो आपको जाना चाहिए पोको की तरफ, क्योंकि जहाँ दोस्तों आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, वही दोस्तों यदि आप नार्ज़ो की तरफ जाते हैं तो आपको दोस्तों फुल एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ कंप्रोमाइज करना होगा। दोस्तों दोनों ही मोबाइल अपनी जगह पर बेस्ट बैठते हैं, तो आप दोस्तों आप डिसाइड कर सकते हैं दोनों में से कौन सा मोबाइल आपके लिए बेस्ट है। आई थिंक दोस्तों आपको जाना चाहिए, क्या बताऊं यार, मैंने बताया ना आपको, यदि आप मीडिया ज्यादा देखते हैं और आपको ज्यादा कुछ काम ज्यादा नहीं है तो आपके लिए पोको बेस्ट रहने वाला है यहाँ पर, क्योंकि फुल एचडी प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इसकी तरफ जाते हैं हम नार्ज़ो की, आप सब कुछ कम पड़ जाएंगे, बस फुल एचडी प्लस डिस्प्ले से आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों हम फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।